रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को देखते हुए आज पूरे देश में वर्मी कंपोस्ट की ओर किसान ध्यान दे रहे हैं और जैविक खेती से होने वाले उत्पाद भी आज देश में काफ़ी महंगे बिक रहे हैं। इसको देखते हुए आज चारों तरफ किसान केचुआ खाद बनाने में व्यस्त है। केचुआ खाद बनाने में कुछ किसानों की शिकायतें हमें मिली है कि सही से केचुआ खाद नहीं बन पा रही है। इसके लिए किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जिनमें से कुछ मुख्य सावधानियां हम आपको बता रहे हैं। प्रति सप्ताह बेड को एक बार हाथ से पलट देना चाहिए ताकि गोबर पलट जाए और वायु का संचार हो सके और बेड में गर्मी न बढ़ पाए। इसके लिए ये करना जरूरी है। कभी भी ताज़ा गोबर केंचुओं में न डालें, क्योंकि ताज़ा गोबर गर्म होता है और गर्म गोबर डालने से केंचुए मर सकते हैं। इसलिए गोबर थोड़े दिन पुराना होने के बाद ही डाला जाए। इसके अलावा बेड में सदैव 35-50% नमी बनाई रखी जाए। इसके लिए मौसम के अनुसार समय समय पर गोबर में पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में 2-3 दिनों से पानी का छिड़काव करें और ग्रीष्म ऋतु में रोज़ाना पानी का छिड़काव दिन में 1 या 2 बार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सांप, मेंढक, छिपकलियों से केंचुओं को बचाने के लिए मुर्गा जाली प्लेटफार्म के चारों ओर लगानी चाहिए। दीमक चींटी से भी केंचुओं को बचाना जरूरी है। इसके लिए प्लेटफार्म के चारों ओर नीम का काढ़ा प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये केंचुओं को खाने वाले जानवर इसके पास न आ पाए। इसके अलावा बेड का तापमान 8 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम व ज़्यादा न होने दिया जाए और 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशील रहता है तथा खाद शीघ्र बनती है। इसलिए तापमान का भी ध्यान रखें, तापमान ज़्यादा कम भी न हो और ज़्यादा बढ़े भी ना। इसके लिए 8 से 30 सेंटीग्रेड तापमान इसके अंदर पर्याप्त रहता है और केंचुओं के लिए अनुकूल मौसम है। इसके अलावा हवा का संचार पर्याप्त बना रहे किंतु रोशनी कम से कम रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केंचुओं को अंधेरा और नमी पसंद है। इसके लिए आपके गोबर को, आपकी खाद को तेज धूप और रोशनी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम आपको करने चाहिए। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में केंचुआ खाद मिलेगी, जिससे जैविक खेती बढ़ेगी और आपके उत्पाद भी बढ़ेंगे और आप अच्छी फसल ले जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जब रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव स्पष्ट हो गया है, इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं है, तब वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए आशा की एक किरण है।